इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं इस वक्त की खास जानकारी। एमएलए धर्म सिंह चौकर के घर पर ईडी की रेड देखने को मिली है। चौकर के घर दूसरे दिन भी ईडी की छापेमारी। वही कल सुबह 6 बजे से टीम की छापेमारी जारी है और चौकर के घर के बाहर सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद हैं। किसी को भी घर के अंदर जाने की इजाजत फिलहाल नहीं है और आवास के बाहर ही समर्थकों का जमावड़ा लगता हुआ नजर आ रहा है। तो एमएलए धर्म सिंह चौकर के घर पर ईडी की रेड होती हुई, दूसरे दिन भी ये ईडी की रेड जारी है। चौकर के घर दूसरे दिन ईडी की छापेमारी कल सुबह से ही देखने को मिल रही है। कल सुबह 6 बजे से टीम ने ये छापेमारी करना शुरू किया था और अभी भी ये कार्रवाई जो है वो जारी है और किसी को भी घर के अंदर जाने की फिलहाल इजाजत नहीं दी गई है। आवास के बाहर ही समर्थकों का जमावड़ा भी लगा हुआ है और एमएलए धर्म सिंह चौकर के घर पर ईडी की रेड लगातार जारी। कल से दूसरे दिन भी ये ईडी की छापेमारी चल रही है इनके घर और कल सुबह 6 बजे से ही टीम की छापेमारी जारी। तो समालखा से इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां चौकर के घर के बाहर सीआरपीएफ के जवान भी तैनात हैं और उनके समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ भी नजर आ रहा है। तो किसी को भी अंदर जाने की अनुमति फिलहाल नहीं मिल पा रही है और एमएलए धर्म सिंह चौकर के घर पर ईडी की रेड। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी।